Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 13 वाक्य विचार फ्रेजियोलॉजी वाक्य सेंटेंस निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। एक राम पुस्तक पढ़ रहा है। दो दादाजी घूमने चले गए हैं। तीन हमें प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए। चार क्या वे कल रोहतक चले गए। इन वाक्यों से पूरी बात समझ में आ रही है। प्रत्येक वाक्य में कर्ता और क्रिया का प्रयोग हुआ है। इन वाक्यों की रचना पदों से हुई है। वाक्य ऐसे सार्थक पदों का समूह है जो विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है। याद रखिए, रिमेम्बर, वाक्य पदों का सार्थक मेल होता है। प्रत्येक वाक्य में क्रिया अवश्य होती है। क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं बन सकता। सभी वाक्यों में कर्ता का होना आवश्यक नहीं है। कई वाक्यों में कर्ता उद्देश्य भी होता है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखिए। एक बैठो। दो चुप रहो। तीन माताजी खाना बना रही है। चार राज की बहन कमलेश अपने मायके गई है। पहले वाक्य में केवल एक पद है जो क्रिया है, इसमें कर्ता नहीं है। दूसरे वाक्य में दो पद हैं, इस वाक्य में भी कर्ता नहीं है। तीसरे वाक्य में पांच पद हैं, इस वाक्य में कर्ता माताजी है। चौथे वाक्य में आठ पद हैं, इस वाक्य में कर्ता राज की बहन कमलेश है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि कर्ता में एक पद भी हो सकता है और कई पद भी। वाक्य के अंग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य, दो विधेय। एक उद्देश्य, सब्जेक्ट, वाक्य में जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के विषय में कहा जाए वह उद्देश्य है। दो विधेय, प्रेडिकेट, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय देखिए। उद्देश्य, विधेय, एक राम पुस्तक पढ़ता है। दो राकेश आज खाना नहीं खाएगा। वाक्य विग्रह, सिंटैक, विग्रह का अर्थ है तोड़ना या अलग अलग करना। किसी वाक्य को उद्देश्य, विधेय आदि भागों और उपभागों में विभाजित करना और उनके आपसी संबंध को स्पष्ट करना वाक्य विग्रह कहलाता है। वाक्य विग्रह को वाक्य विश्लेषण भी कहते हैं। जब किसी वाक्य का विग्रह करना हो तो सबसे पहले उसमें उद्देश्य और विधेय की पहचान करनी चाहिए, फिर उद्देश्य और विधेय के विस्तार को स्पष्ट करना चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। एक राम ने रावण को बाण से मारा। दो मोहन का भाई हितेश 10वीं कक्षा में पढ़ता है। तीन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई साहसी महिला थी। चार गीता ने वह मीठा आम नहीं खाया। वाक्य विग्रह, उद्देश्य, विधेय, कर्ता, कर्ता का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार, पूरक, पूरक का विस्तार, क्रिया, क्रिया का विस्तार। राम ने रावण को मारा बाण से। हितेश, मोहन का भाई, कक्षा में 10वीं पढ़ता है। लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, महिला, साहसी थी। गीता ने आम, वह मीठा, खाया नहीं। वाक्य के भेद, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। एक अर्थ के आधार पर, दो रचना के आधार पर। एक अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। अर्थ के आधार पर वाक्य निम्नलिखित आठ प्रकार के होते हैं। क, विधानवाचक वाक्य, असर्टिव सेंटेंस, जिन वाक्यों में किसी वस्तु या स्थिति का बोध हो विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ। अकरम नमाज पढ़ रहा है।
ख निषेधात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में निषेध या नकारात्मकता हो उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम बीमार नहीं हो, राजू ने दूध नहीं पिया। ग प्रश्नवाचक वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जिसे किसी प्रश्न के रूप में बोला जाता है अथवा जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे क्या बंदर नहीं नाचा, क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो। घ संकेतवाचक वाक्य कंडीशनल सेंटेंस। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी पर निर्भर हो संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे जब तक श्रुति स्कूल से न आ जाए तब तक तुम कहीं पर न जाना। अंगा संदेहवाचक वाक्य डाउटफुल सेंटेंस। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का भाव हो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद सुंदर ने पुस्तक पढ़ ली होगी, शायद टीटू स्कूल पहुंच गया होगा। च इच्छावाचक वाक्य इलेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जिसके द्वारा कर्ता की कामना इच्छा आशा आदि का भाव प्रकट होता है इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में उन्नति करो, मैं चाहता हूँ कि तुम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो। छर आज्ञावाचक वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में आज्ञा अनुमति प्रार्थना या विनय का भाव हो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आप उस कुर्सी पर बैठ जाइए। ज विस्मयादि बोधक वाक्य एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। वह वाक्य जिसके द्वारा प्रसन्नता दुख घृणा आश्चर्य शोक आदि के भाव प्रकट करने का बोध होता है विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। जैसे आ कितनी सुंदर साड़ी है। दो रचना के आधार पर वाक्य के भेद काइंड ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। क सरल वाक्य ख संयुक्त वाक्य ग मिश्र या मिश्रित वाक्य। क सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस। इस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है और उद्देश्य तथा विधेय भी एक ही रहता है। एक श्याम दौड़ता है, दो नीरू खेलती है। इन वाक्यों में एक एक क्रिया का प्रयोग हुआ है अतः ये सरल वाक्य हैं। ख संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस। जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे एक परिश्रम किया है फल भी मीठा ही होगा। दो आप यही बैठकर उसकी प्रतीक्षा कर लीजिए या कल इसी समय आ जाइए। इन वाक्यों में एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े हुए हैं अतः ये संयुक्त वाक्य हैं। याद रखिए रिमेम्बर संयुक्त वाक्य बनाने के लिए किंतु परंतु पर और एवं या अथवा अन्यथा आदि समुच्चय बोधकों का प्रयोग किया जाता है। ग मिश्र या मिश्रित वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष उसके आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे एक उसी से अपने पैसे मांगो जिसे दिए थे। दो यदि तुम चाहो तो वापस काम पर आ जाओ। तीन वह आदमी आज फिर आया है जो कल तुम्हें पूछ रहा था। इन वाक्यों में मोटे रंगीन अंश प्रधान उपवाक्य है और शेषांश उनके आश्रित उपवाक्य है अतः ये मिश्र या मिश्रित वाक्य है। वाक्य परिवर्तन चेंजिंग ऑफ सेंटेंस। वाक्य परिवर्तन से तात्पर्य है एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित करना। इसे वाक्यांतरण भी कहते हैं। वाक्य परिवर्तन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य की रचना बदल जाने पर उसके अर्थ में परिवर्तन न हो। सरल से संयुक्त वाक्य बनाना सरल वाक्य संयुक्त वाक्य
एक पौधे लगाकर माली चला गया। एक माली ने पौधे लगाए और चला गया। दो किसान गन्ने काटकर गाड़ी में भर रहा होगा। दो किसान गन्ने काट रहा होगा या उन्हें वह अपनी गाड़ी में भर रहा होगा। सरल से मिश्रित वाक्य बनाना। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य। एक, वे लोग घूमने के लिए बगीचे में गए थे। एक, वे बगीचे में गए थे क्योंकि उन्हें घूमना था। दो, परिश्रमी व्यक्ति को मीठा फल अवश्य मिलता है। दो, जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसे अवश्य मीठा फल मिलता है। संयुक्त से सरल वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। एक, छात्रों ने बैग उठाए और घर चले गए। एक छात्र बैग उठाकर घर चले गए। दो, आप खाने की मेज पर बैठिए और भोजन कीजिए। दो, आप खाने की मेज पर बैठकर भोजन कीजिए। संयुक्त से मिश्रित वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। एक, वह झंडे वाला मकान है और वहाँ मैं रहता हूँ। एक, जो झंडे वाला मकान है उसमें मैं रहता हूँ। दो, सचिन अस्वस्थ है लेकिन वह खेल छोड़ने को तैयार नहीं है। दो, सचिन अस्वस्थ है फिर भी वह खेल छोड़ने को तैयार नहीं है। मिश्रित से सरल वाक्य बनाना। मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य। एक, रोहन ने उस पुस्तक को लौटा दिया जो उसके मित्र की थी। एक, रोहन ने अपने मित्र की पुस्तक को लौटा दिया। दो, जिस हिरण की टांग में गोली लगी वह पकड़ा गया। दो, टांग में गोली लगने के कारण हिरण पकड़ा गया। याद रखने योग्य तथ्य, पॉइंट्स टू रिमेम्बर। जिस पद या पद समूह से पूरी बात समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। प्रत्येक वाक्य में क्रिया अवश्य होती है। क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं बन सकता। वाक्य विग्रह को वाक्य विश्लेषण भी कहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। क, सरल वाक्य। ख, संयुक्त वाक्य। ग, मिश्र या मिश्रित वाक्य। अर्थ की दृष्टि से वाक्य आठ प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगता है। विस्मयादि बोधक वाक्यों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।